HLD एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने वोटर आईडी कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है और आप जानना चाहते हैं कैसे घर बैठे हम अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान तरीके से वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का तरीका सिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन को सर्च करना है। इस एप्लीकेशन का नाम है वोटर हेल्पलाइन। जैसे ही आप वोटर हेल्पलाइन लिख के सर्च करेंगे, ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। इस एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। तो हमने इसको पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो हम यहाँ से इसे डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। अब जैसे कि आप इस एप्लीकेशन को पहली बार ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा। अब एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब हम जानते हैं कैसे आपको अपना वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर वोटर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको वोटर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि आप वोटर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे इलेक्ट्रोल वाला 6V का फॉर्म मिलेगा, तो आपको ये वाले फॉर्म पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर। याद रखें, आपको अपना वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास एक्टिव होना चाहिए। इस पर एक OTP कोड भी सेंड किया जाएगा। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड आएगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड आया है। उस OTP कोड को हमें यहाँ पर डालकर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि हमने OTP को वेरीफाई किया, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है डू यू ऑलरेडी हैव वोटर आईडी नंबर, यानी कि क्या आपके पास पहले से ही वोटर आईडी नंबर मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले से ही वोटर आईडी कार्ड नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यस करेंगे। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर यस पर क्लिक किया है, इसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको डालना है अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर, यहाँ पर आपको अपना स्टेट डालना है और इसके बाद फेच डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप फेच डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी वोटर आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपको क्या करना है, आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपकी आधार डिटेल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डालना है अपना आधार कार्ड नंबर और इसके बाद यहाँ पर नीचे डालना है आपको अपना मोबाइल नंबर, यहाँ डालनी है आपको अपनी ईमेल आईडी और यहाँ पर प्लेस में आपको आपका जो भी सिटी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप डन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप एक बार दोबारा से कंफर्म पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स को कंफर्म कीजिए। अब जैसे कि आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप घर बैठे अपने वोटर आईडी कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं आपका वोटर आईडी कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक हुआ है या नहीं, तो इसके लिए आपको दोबारा से इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, वोटर हेल्पलाइन को, और यहाँ पर आपको नीचे एक्सप्लोर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। एक्सप्लोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा बॉर्डर सर्विसेज का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। बॉर्डर सर्विस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर आपको अपनी रेफरेंस आईडी डाल देनी है और ट्रैक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप जान जाएंगे आपका वोटर आईडी कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप घर बैठे अपना और अपने पूरे परिवार का वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।